या आप देख सकते हैं कि बैरिकेड जो रेलिंग होती है उस पर से महिलाओं को उतारा जा रहा है। जैसे देख सकते हैं कि महिलाओं को उतारा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जैसे ही यहाँ पे गिरा, जैसे आप बात कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक के ऊपर एक, ये देख सकते हैं कि पुलिस वालों की तरफ से फ्लैग मार्च की तरह एक तरह से मतलब बीच में रोटेशन की साइड निकाला जा रहा है कि एक साइड जाने वाले हो तो एक साइड आने वाले हो। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। ये देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस वालों की तरफ से और महिलाएं पुलिस और जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात होती है इंडिया में उसको लेकर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं सुरक्षा की जो इंतजाम की जो बात होती है कि जो बात करें फेस्टिवल सीजन है दशहरा हो दिवाली हो या ईद हो बकरीद हो तमाम चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में बात चलती है कि सुरक्षा कहाँ है। लेकिन यहाँ सुरक्षा का होने के बावजूद जनता का इतना हजूम है कि जनता ही बेकाबू होती हुई दिख रही है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे एक के ऊपर एक धक्के धुक्के देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं लोग, वहाँ पर आ देता है वहाँ से आगे बढ़ा देता। ये आप देख सकते हैं ऐसे लोग आगे की तरफ धक्के धक्के देते हैं कि आगे पहुंच जाते हैं। या आप देख सकते हैं कि कितना जो पुलिस वालों की बात करें तो उनकी तरफ से भी पूरा मदद किया जा रहा है, उनको डंडे की तरफ से थोड़ा धमका धमका के आगे भेजा जा रहा है। लेकिन जनता की तरफ से ये देखा गया कि धक्के धुक्के दे के आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं लोग एक साइड से आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। और आपका क्या कहना, आप यहाँ पे मेला देखना है? अरे भाई साहब यहाँ मेला बहुत बुरा हाल है। हम मेला देखने आए तो क्या सोच के आए थे कि रावण को जलते हुए देखेंगे? जलते हुए देखेंगे लेकिन यार ये रोड पे देख रहा हूँ, रोड पे देख रहे हैं आदमी को। सुरक्षा के इंतजामों को क्या कहेंगे? अरे सुरक्षा तो भाई साहब इतने भीड़ भाड़ में क्या करेंगे, यहाँ तो ज्यादा देखता है तो लठ बजाता है वहाँ जो पुलिस वाले। क्यों पुलिस वालों की तरफ की बात करें तो उनकी तरफ से सुरक्षा के इंतजाम पुख्ते हैं, लेकिन आप लोगों की बात करें तो जनता ही एक दूसरे पे धक्के धुक्के दे रहे। जी जी जी, तो उसमें क्या कहना, क्या कहना भाई साहब, यहाँ देख रहे स्थिति देखो यहाँ की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जनता के बीच में ही जनता से बात की, उनका कहना है कि यहाँ पे बेकाबू होती हुई दिख रही है जनता। ये देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक धक्के दिए जा रहे हैं, वो देख सकते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके दिखाना चाहूंगा। यह आप देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक धक्के दिए जा रहे हैं, होर्डिंग किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। कोशिश और रही है कि मैं आपको और आगे से दिखलाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो बैरिकेडिंग जो होता है रोड के बीच में वहां पे से खड़े होके लोग रामलीला के अंदर का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक जनता लदी हुई है और यहाँ पे कुछ लोग निकल भी रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक धक्का दे के आगे की तरफ निकला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सुरक्षा की, इसमें महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें और बुजुर्गों की बात करें, बच्चे भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों को गोद में रखकर लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। जो सुरक्षा की कहीं ना कहीं सरकार की तरफ भी एक इशारा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा पर नाकामी हुई है सरकार की तरफ से। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड जो रेलिंग होती है उस पर से महिलाओं को उतारा जा रहा है। जैसे देख सकते हैं कि महिलाओं को उतारा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जैसे ही यहाँ पे गिरा, जैसे आप बात कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक के ऊपर एक, ये देख सकते हैं कि जोखिम भी है, किसी को रोड लग गया, चोट लग गई, बच्चे हैं, महिलाएं। ये देख सकते हैं कि महिलाएं कैसे जो गेट जो बैरिकेड होता है जो रोड के बीच में जो लगाया दिया जाता है जो लोहे का, उसको देखते हुए ये देख सकते हैं कि महिलाएं अपनी जान के जोखिम डालकर इधर से उधर। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की तरफ से कैसे कसम कुसी चल रहा है इधर से उधर आने के लिए। देख सकते हैं ये देख सकते हैं कैसे, ये देखिए कैसे लोहे का जो रॉड होता है कहीं लग जाए, चोट लग जाए, कुछ हो जाए, अनहोनी हो जाए, उसको पूरा मद्देनजर रखते हुए लेकिन फिर भी पार किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को भी दर्शाता है कि ऐसे सुरक्षा इंतजाम को देखते हुए कहीं ना कहीं
पुलिस के पुख्ता बल तैनात किया जाना चाहिए। जहाँ तक की बात करें, जो रामलीला एक दशहरे का पर्व होता है जिसमें परिवार अपने बच्चों के साथ महिलाओं के साथ आते हैं देखने के लिए दशहरा रामलीला का, और रावण को देखते हैं चलते हुए, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है। जब हम लाल किले की बात करें, ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाएं अपनी जान की जोखिम डाल के इधर से उधर आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं कभी इधर भी ये देख सकते हैं कैसे एक लोहे का जो जाला लगा हुआ उसको पार किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि अभी पुलिस फोर्स आई है जो हटाने के लिए, इससे पहले अनहोनी हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता, कहीं ना कहीं एक सवाल तो उठता है। ये देख सकते हैं पुलिस वालों की तरफ से बात की है, अभी रोका गया था लेकिन पुलिस वाले भी वापसी चले गए, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कभी नाकामी का भी दर्शाता है। ये आप देख सकते हैं कैसे एक रेलिंग को पार किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि एक रावण को जलते हुए देखने के लिए यहाँ पर जनता जो जिस हिसाब से एकदम आई थी उस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे कसम खुशी चल रहा है। ये आप देख सकते हैं आई कितनी मेहनत चल रही है, ज्यादा मेहनत हो रही है इधर से उधर आने के लिए, बहुत ज्यादा हो रही है। अंदर रावण को देखा जल्दी नहीं देख पाया रावण की कपड़ा, रावण की बीवी भी जल गई है, रावण की बहू भी जल गई उसमें, कहीं ना कहीं कमी रह गई, नहीं अंदर नहीं जा सके आप। अरे बहुत ही क्राउड है इसकी वजह से हम अंदर नहीं जा पाए। क्या पुलिस की बात करें, पुख्ता इंतजाम किए गए उनके, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं, चोर जिंदहारे घूम रहे हैं, ऐसे चोरी कर गया मेरे दोस्त जिंदहारे घूम रहे हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, वो खड़े होके देख रहे हैं, कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, मतलब खड़े होके देख रहे हैं, मतलब कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की वैन है जो जेब कतरों और बात करें और भी तमाम चीजों को यहाँ पे अरेस्ट करके इनको ले जाया जा रहा है नजदीकी थाना। Hey!